आरोप लगा है। अरे 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 एक बात बताइए, कल हम हाई कोर्ट में हम उसके खिलाफ जा रहे हैं कि व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कौन है और 2021-22 में कौन बात किया, 2021-22 में कौन बात किया, 2021 में किसने बात की। ये व्यक्ति पहले संतोष कुशवाहा के पर भी एफआईआर किया हुआ था, या व्यक्ति कई लोगों को मां बहन गाली गलौज किए हुआ है, सबका वीडियो वायरल है। ये व्यक्ति अपने सारू के बच्ची को प्रेगनेंस करके लेके भागा गया था, वो भी एफआईआर लॉज है अपने सारू के बेटी को। यह व्यक्ति डेली दारू पी के, उसका डीएनए टेस्ट आज करवा लीजिए, डेली दारू पीता उसके ब्लड में। ये मधेपुरा का अमित कौन है हम जानते भी नहीं, हुए स्कूटी भी इंजीनियर है बीएसएनएल के रांची का। अब उस अमित का स्कूटी भी इंजीनियर का उससे क्या लेना देना होगा, स्कूटी भी इंजीनियर मेरे शागिर्द कैसे हो जाएंगे। जब बीएसएनएल के वो स्कूटी भी इंजीनियर है तो आप लोग को पूछ लेना चाहिए स्कूटी साहब से। और उसके बाद 21 का में क्या बातचीत हुई 22 में, तो 21-22 के 4 साल के बाद एसपी साहब को ये एफआईआर दर्ज करना चाहिए इस फ्रॉड का। ये तो निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठा का हनन की ही ना एक कोशिश की गई, तो उस पर मानहानि का मुकदमा भी होगा। हाई कोर्ट में इस एफआईआर की एथेंटिसिटी का कल हम करने भी जा रहे हैं, पूर्णिया में भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब जीवन में है जिसकी हैसियत ही 20 लाख ना हो, जिस पप्पू यादव की हैसियत डेली 20 लाख 50 लाख बांटने की, उस पर भी कितना पैसा देखा है। और जो लोग इस तरह की चैनल्स को और सोशल मीडिया से, भगवान बचाए, मैं हम पैर पकड़ता हूँ चैनल के साथियों को, आप लोगों की मदद सिर्फ पप्पू यादव करता है। एक घर तो डनिया बकसिए, एक को घर तो बकस दिया कीजिए, किसी को आप लोग नहीं छोड़ते हैं। आप लोग किसी के हैं या नहीं, साजिश के तहत हुई है क्या भैया? फिर वही बात, आप लोग किसी के हैं कि नहीं, हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोगों का ये किसी का है कि नहीं, जिस थाली में खाते हैं उसी में आप लोग छेद करते हैं। हाँ, जो आदमी डेली 10-20 लाख रुपया बांटता हो उस पर भी कोई बात हो सकती है, और जिसको हम जानते नहीं हो। आप जांच करते ना कि पप्पू यादव से कभी मिले कि नहीं, पप्पू यादव से इनकी बातचीत हुई कि नहीं, 21 की बातचीत वो पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा, पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा जिनका वो 1 करोड़ रुपया रखे हुए, उनका चेक बाउंस है पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा के साथ। सलेंडर नाम का एक लड़का है मधेपुरा का, वो भी बिजनेसमैन है, उसका भी चेक बाउंस है। 21 में एक पंचायती हुई थी जिसमें उनको पनोरमा के संजीव मिश्रा का पैसा देने की बात, संजीव मिश्रा मारपीट कर रहा था तो हम ही बचाव करके बोले भैया पैसा दे दो, मारपीट मत कीजिए। 21 के बाद आज तक कभी जाने नहीं, समझे नहीं। 24 में उस दिन कौन अमित उसको क्या फोन किया, एसपी साहब से हम हाथ जोड़ के पूछते हैं और डीआईजी साहब से, कह देंगे कोई फलना आदमी आके कौवा कान लेके चला गया तो आप एफआईआर लॉज करिएगा। और उस आदमी से जिस आदमी ने जिसका केस दर्ज है, एक पंडित जी ने केस दर्ज किया है, ब्राह्मण को मां बहन लगा के गाली दिया हुआ है, वीडियो वायरल है, जिसने अपने सारू की बेटी को भाग गया प्रेगनेंसी कर दी, सारू ने केस किया है कोढ़ा थाना में, जो लड़की के साथ सिल्लीगोड़ी में पकड़ाया वो केस है, और उस आदमी के अथॉरिटी जो डेली दारू पीता है, लकड़ी चीरता था मधेपुरा में, कहाँ से पैसा आया लकड़ी का वो व्यापारी, तो ऐसे बकस दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूँ आप लोगों से। आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पैर पकड़ता हूँ, इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। आप लोग किसी के नहीं हैं, समझे, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी, आप लोग से भगवान बचाए इस दुनिया को। सर मैं भगवान नहीं,
मैं अपने आप भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आज तक किसी से फोन तक नहीं करता हूँ, न मैं जानता हूँ। सर मेरा शरीर काम नहीं आएगा। और उसके बाद जो मन में आता है सो करते हैं। सर आप लोग आदमी हैं, क्यों टॉर्चर करते हैं सबको, क्यों जीने नहीं देते हैं किसी को? साला इससे बदतर तो मौत है। अब जाके पता करिए कौन कौन लोग हैं इसमें साजिश में।